हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन विद अ फ्रेश न्यू वीडियो। सो फ्रेंड्स, अगर आप हाइट इंक्रीज करना चाहते हैं, आपको पता है कि वर्कआउट करना कितना इंपॉर्टेंट है, एंड अगर आप अपना ग्रोथ पीरियड में है देन वर्कआउट करना और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड देखो, आज मैं आपको फुल वीक वर्कआउट रूटीन शेयर करने वाला हूं एंड इसे आपको एक महीना तक फॉलो करना है। तो क्या करना, इस वीडियो को आप लोग जरूर लास्ट तक देखना, बिकॉज मैं आज आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं। फुल वीक वर्कआउट रूटीन शेयर कर रहा हूं एंड इसे आपको एक महीना तक फॉलो करना है। जैसे ही एक महीना कंप्लीट हो जाएगा, मैं आपको अगेन एक अलग वर्कआउट रूटीन दूंगा जिसको आपको फॉलो करना है, बिकॉज आपको पता कि सेम वर्कआउट रूटीन को ज्यादा दिन तक फॉलो नहीं करना, नहीं तो क्या होगा, आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। एंड मेरा क्या स्ट्रेटेजी, आप जानते हो कि आप अपना बॉडी मसल्स पर काम करो। जैसे ही आप अपना बॉडी मसल्स पर काम करेंगे, उसके साथ एक अच्छा डाइट प्लान फॉलो करेंगे, आपको तगड़ा रिजल्ट मिलेगा, आपका मसल्स ग्रो करेगा। मसल्स जब ग्रो करेगा, आपका बॉडी ज्यादा एजीएच हार्मोन रिलीज करेगा, उससे क्या होगा, आपका बोन्स भी स्ट्रांग होगा, आप अंदर से हेल्दी हो जाएंगे, स्ट्रांग हो जाएंगे, एंड आपका बॉडी बहुत तेजी से ग्रो करेगा एंड आप अपना मैक्सिमम जेनेटिक पोटेंशियल तक पहुंच पाएंगे। सो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एंड जो भी वर्कआउट रहेगा, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, सारे वर्कआउट को फॉलो करना है, ठीक है। मैं आपको जैसा रूटीन प्रोवाइड कर रहा हूं सेम टू सेम वैसा करना है, अपना ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, ठीक है, नहीं तो फिर आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। इसके साथ साथ मैं आप सभी को एक चीज कहना चाहता हूं, एक अपडेट है कि मैंने दो चैनल क्रिएट किया है, एक है ब्लॉगिंग चैनल, दूसरा है आपका टेक्निकल चैनल, जहां पर मैं यूट्यूब टिप्स एंड ट्रिक्स देने वाला हूं। सो जिसको भी यूट्यूब चैनल क्रिएट करना है, आप लोग वीडियो को लास्ट तक देख लेना, थोड़ा देखकर छोड़ मत देना, नहीं तो वीडियो खराब हो जाएगा। अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है तो आप लोग सब्सक्राइब मत करना। और मैंने ब्लॉगिंग चैनल बनाया है तो ब्लॉग्स में सभी का इंटरेस्ट रहता है, तो ब्लॉगिंग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना एंड कल से मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो सभी अपना प्यार दिखाना। तो अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन बेल को हिट करना। सो डेली आपको एक घंटा वर्कआउट करना है। वर्कआउट स्टार्ट करने से पहले आपको 10 मिनट वार्म अप करना है, 10 मिनट वार्म अप करना है, उसके साथ साथ आपको 5 मिनट स्ट्रेचिंग करना है, उसके बाद वर्कआउट करना, जो रूटीन दूंगा उसको करना है, फिर वर्कआउट खत्म होने के बाद फिर आपको 5 मिनट स्ट्रेचिंग करना है। इससे क्या होगा, आपका हाइट इंक्रीज होगा। तो मंडे आपको क्या करना है, मंडे आपको चेस्ट ट्रेन करना है प्लस ट्राइसेप्स को ट्रेन करना है एंड वर्कआउट वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, तो आप वहां से जाकर देख सकते हैं, कर सकते हैं। ट्यूजडे में आपको क्या करना है, बैक करना है, उसके साथ साथ आपको ट्राइसेप्स करना है। देखो, चेस्ट मसल्स को ट्रेन करना है, ट्राइसेप्स ये वाला होता है, इसको ट्राइसेप्स कहते हैं, ठीक है, बैक मसल्स इसको बैक मसल कहते हैं, तो अलग अलग मसल को आपको ट्रेन करना है। तो ट्यूजडे में आपको क्या ट्रेनिंग करना है, बैक के साथ बाइसेप्स। अब चलते हैं वेडनेसडे। वेडनेसडे में आपको करना है लेग्स प्लस शोल्डर, लेग मसल को ट्रेन करना है साथ में शोल्डर मसल को ट्रेन करना है। एंड जब आप लेग्स ट्रेन करते हो भाई, आपका बॉडी ज्यादा एजीएच रिलीज करता है। जब भी आप कोई मसल ट्रेन करते हैं तो आपका बॉडी एजीएच हार्मोन रिलीज करता है, लेकिन लेग्स में सबसे ज्यादा मसल रहता है। एंड जब आप लेग्स को ज्यादा ट्रेन करेंगे, आपका बॉडी और ज्यादा एजीएच हार्मोन रिलीज करेगा। इसीलिए कहा जाता है कि मसल्स को ट्रेन करो लेकिन उल्टा फुल्टा टेक्निक से नहीं करना है, प्रॉपर टेक्निक से करना है। अगर आप प्रॉपर टेक्निक से करते हो आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा। तो मैंने जो वीडियो शेयर किया है बस उसी तरीके से आपको करना है। फिर थर्सडे आपको क्या करना है, देखो थर्सडे करना है आपको एब्स का वर्कआउट करना है, एब्स का वर्कआउट करना है, साथ में आपको चेस्ट करना है, ठीक है। अब फ्राइडे आपको क्या करना है, फ्राइडे करना है आपको बैक प्लस बाइसेप्स प्लस ट्राइसेप्स। नोट डाउन करो, जो मैं आपको कह रहा हूं उसको नोट डाउन करो, नहीं तो भूल जाएंगे। फ्राइडे क्या करना है, बैक प्लस बाइसेप्स प्लस ट्राइसेप्स, ये होता है बाइसेप्स मसल, नीचे वाला होता है ट्राइसेप्स मसल, ठीक है। और हर एक मसल ग्रुप को दो बार आपको ट्रेन करना है। फिर सैटरडे क्या करना है आपको, लेग्स प्लस शोल्डर, हर वीक में हर मसल ग्रुप को दो बार ट्रेन करना है। तो यही हमारा स्ट्रेटेजी है फ्रेंड्स, आपको इसी वर्कआउट को फॉलो करना है एंड संडे आपका रेस्ट रहेगा, ठीक है। संडे आपको कुछ नहीं करना है, बॉडी को रिकवर करना है और एक चीट मील भी ले सकते हो, चीट मील, पूरा दिन खराब नहीं खाना है, एक मील आप खराब खा सकते हो जो आपको पसंद है। एंड डाइट आपका टॉप नॉच रहना चाहिए,
डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप वर्कआउट फॉलो कर रहे हैं ठीक है, आपका डाइट बेकार रहेगा जीरो रिजल्ट मिलेगा, आपको जीरो रिजल्ट मिलेगा। एंड मैंने सेम वर्कआउट रूटीन को फॉलो किया था, मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। मैंने 18 साल के बाद अपना हाइट इंक्रीज किया था ठीक है, और 10 इंचेस इंक्रीज किया था, बियर्ड भी आ चुका था। तो आप लोग भी अपना हाइट इंक्रीज कर सकते हैं, बस ग्रोथ पीरियड में रहना होगा, और इसके साथ साथ आपका बॉडी भी बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर आप पतले दुबले हैं या बॉडी बहुत फैट है तो आपका बॉडी शेप में आना स्टार्ट हो जाएगा, आपको अट्रैक्शन मिलेगा ठीक है, लोग आपके तरफ देखेंगे, ये श्योर है। तो वीडियो को एंड करना चाहूंगा, चैनल को सब्सक्राइब करना, और दोनों चैनल जो मैंने बताया उसको भी जाकर सब्सक्राइब करना। सो आज मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करना चाहूंगा, मिलता हूं नेक्स्ट जबरदस्त वीडियो के साथ। अंटिल पीस बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।